हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे इलास्टिक मॉड्यूलस की और इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा और सेटिस्फेक्शन भी 100% रहेगा। तो इलास्टिक मॉड्यूलस के पहले हम लोगों को दो चीज़ें समझना होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया की वैल्यू कितनी हो, वन। तो जो फोर्स लग रहा है वही, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, जैसे एक आपने रबर लिया और रबर को इस तरीके से खींचा, तो उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब अगर हम लोग रबर पे फोर्स लगा के ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे पहले उसकी लेंथ इतनी थी, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई है, ज्यादा हो गई है। मतलब उसकी जो लेंथ में चेंज आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब स्ट्रेन हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि इंक्रीज और चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब ये दोनों चीजें तो ठीक है। तीसरी हम लोग यहां पे बात करते हैं इस इलास्टिक मॉड्यूलस के पहले कि आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक रबर बैंड है, देखिए ये रबर बैंड है, इस पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस मतलब क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ये फोर्स अप्लाई करा तो देखिए इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब इसकी डायमेंशन में क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज आ गया। अब अगर मैं और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूं तो इसकी लेंथ भी क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। और अप्लाई करूंगा तो इसकी लेंथ भी और बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब प्रोपोर्शनल यहां पे अगर हम लोग हटाते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रेस ओवर, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है और यहाँ पे रहता है स्ट्रेन। मतलब ये कॉन्स्टेंट को नाम हम लोग दे देते हैं ई, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन और ये हो जाएगा स्ट्रेस। अब देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहां से स्ट्रेन को हम लोग कहां पे लेके आ जाए, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा ई एज इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जहां पे ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। जो ई आया है, जो कांस्टेंट आया है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। अब ये जो ई है ये तीन जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको हम लोग वाई बोलते हैं, कहीं पे इसको हम लोग के बोलते हैं और कहीं पे इसको बोलते हैं ई। तो कब हम लोग इसको वाई बोलेंगे, कब हम लोग इसको के बोलेंगे और कब हम लोग इसको ईटा बोलेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, डेमो देके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए थ्री टाइप के स्ट्रेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। जैसे ये एक हमारे पास रबर बैंड है और इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, और अगर हम लोग इसकी लेंथ के पैरेलल फोर्स अप्लाई करें ऐसे, तो जो यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो देखिए उसकी लेंथ ही क्या होती है, चेंज होती है। मतलब लेंथ में ही क्या आता है, लेंथ वाली डायमेंशन में चेंज आता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मीनिंग होता है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। तो देखिए ये यहाँ पे मेरे पास एक इंजेक्शन है, आप इसको सिलेंडर समझे और इसको क्या समझे, पिस्टन समझे। ये पिस्टन यहाँ पे है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से मुंह को, और ये जो सरफेस है ये देखिए, मैंने ये अप्लाई किया फोर्स। तो जब मैंने ये अप्लाई किया फोर्स तो यहाँ पे देखिए सरफेस, ये ब्लैक कलर वाला जो पार्ट है ये सरफेस की बात कर रहे हैं। इस सरफेस पे हम लोग फोर्स इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये हो गया सरफेस और ये हो गया फोर्स। इस सरफेस पे नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसको कौन सा नाम दिया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ की जो एयर है अंदर की, वो एयर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। मतलब इसके वॉल्यूम में क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेन बोला जाता है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की, या फिर बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की। टेंजेंशियल मीन्स जो टच करके निकल जाए,
एक ऐसा फोर्स, स्ट्रेस मींस फोर्स, एक ऐसा फोर्स आपको अप्लाई करना है। मैं इसकी जो बेस है, इस बेस को हमने फिक्स करा और इसकी ऊपर वाली सरफेस, सिर्फ मैंने यहां से पकड़ा है नीचे से, ऊपर वाली सरफेस पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी ये इसका शेप क्या है, क्यूबॉइडल है, लेकिन जब मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये वाली साइड जो है बेंड हो जाएगी, ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड हो गई मतलब ये क्यूबॉइड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा पैरेललो पाइप। तो इसको, इस फोर्स को जो टच करके जा रहा है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस को अप्लाई करने से कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, शेयर स्ट्रेन, मतलब इसका जो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए तो ये था हम लोगों का डेमो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये हम लोग यंग मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और इन दोनों के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। के मीन्स बल्क मॉड्यूलस, मतलब इस मॉड्यूलस कोई सा भी हो क्या होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, लेकिन ये तीन में से कोई से एक होंगे, पेयर होगा इनका। तो जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कौन सा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, तो क्या प्रोड्यूस होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशो को ही क्या बोला जाता है, बल्क मॉड्यूलस। ऐसे ही ईटा मीन्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस मीन्स स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और यहां पे किसकी बात होगी, टेंजेंशियल या फिर लिख सकते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और इन दोनों के रेशो को ही, इन दोनों के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से तो आप मेरा मेल आईडी देख सकते हैं, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।